हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम एमएस वर्ड में लेआउट, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था डिजाइन के बारे में, अभी इस वीडियो में मैंने आपको लेआउट के बारे में समझाऊंगी। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो मिस किया रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप यूज देख पाए। अभी मैं लेआउट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर मार्जिन से स्टार्ट करती हूँ मैं, एक रैंडम ही मैं टेस्ट ले लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मार्जिंग है, मार्जिंग से स्टार्ट होता है। सबसे आता है यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट कस्टम सेटिंग, यहाँ पे टॉप 0, बॉटम 0, राइट और लेफ्ट, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ से होगा। अगर ये मार्जिंग हम लेने चाहेंगे नॉर्मल का तो नॉर्मल मार्जिंग यहाँ पे हो जाएगा, जो कि नॉर्मल मार्जिन दिया है, टॉप 1, बॉटम 1, राइट 1 और लेफ्ट 1। नो ब्रो लेंगे तो 0.5, 0.5 सेम आ जाएगा जो ऊपर का दिया हुआ है। फिर आ जाएगा यहाँ पे भी लिखा हुआ है 100, ये भी आ जाएगा हमारा कितना है। 1 सेकेंड बता देती हूँ मैं। टॉप 1 है, बॉटम 1 है, लेफ्ट 0.75 है, 0.75 सेम ऐसे ही है। यहाँ पे मिरर है, ये भी सेम ही है। इसे यहाँ पे क्या दिया है मैं बता देती हूँ आपको। 1 पॉइंट बॉटम, 1 पॉइंट इनसाइड, 1.25 है, आउटसाइड 1 पॉइंट है। यहाँ पे ऑफिशियली 2003 बाई डिफॉल्ट है, ये है इसका दिया हुआ है ऑफिस का। टॉप 1 है, बॉटम 1 है, लेफ्ट 1.25 है और राइट 1.25 है। अब आते हैं हम कस्टम मार्जिन में। हम कस्टम मार्जिन में आएंगे तो देखिए यहाँ पे मार्जिन दिया है, यहाँ पे पेपर दिया है, यहाँ पे लेआउट दिया है। हम टॉप में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे टॉप लेते हैं 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। अब देखिए यहाँ पे गटर मार्जिन में बात करती हूँ। गटर मार्जिन क्या होता है, जैसे हम जब बुक को बनाते हैं ना, यहाँ पे देखिए हमारा प्रीव्यू है, यहाँ से हमारा चेंजेस होगा, तो यहाँ पे गटर मार्जिन की जरूरत पड़ती है। जितना आपको गटर मार्जिन लेना है उतना आप गटर मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए इस हिसाब से पेज को सेट हुआ, इसको बोलते हैं हम गटर मार्जिन। बुक का बाइंड करते हैं तो गटर मार्जिन होता है, यहाँ पे मैं 0 कर देती हूँ। जितना हम करेंगे बुक को बाइंड करेंगे उतना हम नंबर ले सकते हैं, जितना टाइम में आपको बाइंड करना है। यहाँ पे मैं 0 पॉइंट ले लेती हूँ, मैंने बता दिया ये प्रोट्रेक्टर है, लैंडशेप है, इसका यूज होता है। अभी अगर मैं लैंडशेप लेती हूँ तो लैंडशेप पर क्लिक करूंगी तो ये हिसाब से मेरा फोल्डर दिख जाएगा। मैं आती हूँ पेपर में बता देती हूँ। पेपर में अगर हमें साइज जो चेंज करना है, देखिए अभी मैं लैंडशेप पहले दिखा देती हूँ आपको, ये हो गया यहाँ से लैंडशेप। अगर मैं प्रोट्रेक्ट लूंगी तो यहाँ पे प्रोट्रेक्ट। अब आता है साइज पेपर, देखिए A4 साइज है, A5 साइज है, A4 साइज है, जो सिलेक्शन करना है। मुझे A4 साइज का चाहिए था तो मैं A4 साइज लेती हूँ। अब आ जाएंगे हम मोर पेज में। मोर पेज में आएंगे, अगर हमें आईडी कार्ड वगैरह बनाने के लिए हमें ये चाहिए रहता है, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम उसके लिए ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3.4 ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ले लेंगे। जितना आपको मार्जिन चाहिए रहेगा उतना ये मार्जिन आपको दिखेगा। और ये देखिए पेज बन गया। इस हिसाब से ये हमें आई कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड जो बनाना रहेगा या फिर विजिटिंग कार्ड के लिए यूज होता है। अब आते हैं कॉलम में। देखिए कॉलम 1 कॉलम में ये रहेगा, 2 कॉलम में साइज डिफरेंट हो जाएगा। देखिए देखिए साइज डिफाइंड हो जाएगा। 3 कॉलम में लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, मोर कॉलम में जाना है, यही दिखा देगा सिर्फ लेफ्ट राइट 1 2 3 4। स्पेसिंग वेट क्या, वेट कितना चाहिए, स्पेसिंग लाइन कितनी चाहिए वही बताता है। तो हम 1 कॉलम ही ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंडिट, इस इंडिट का है हाइट कवर करता है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ, ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, ये राइट से करेगा, ये आता है स्पेसिंग लाइन, जो जितना हमें स्पेसिंग लाइन चाहिए उतना हमें स्पेसिंग लाइन ले लेंगे। ये पैराग्राफ का स्पेसिंग लाइन है। अब आते हैं हम यहाँ पे ब्रेक लाइन में, पेज ब्रेक करना है, पेज ब्रेक कर देगा, डायरेक्ट दूसरे पेज पे आएंगे। अगर हमें कॉलम ब्रेक करना है सेम हम कॉलम ब्रेक भी कर लेंगे। तो ये ऐसे दिया, टेस्ट टाइप, नेक्स्ट पेज पे जाना है, कंटिन्यू, इवेंट पेज, ऑड पेज, सेम इस तरीके से हम यूज कर लेंगे ये। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।